की कितनी शानदार मूंगफली। कितने कितनी मोटा दाना देखिए आप। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नरेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मूंगफली है। आज 5 अक्टूबर है और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये गांव है सहरावतपुरा, पंचायत बुगालिया है, तहसील आमेर है और जिला जयपुर है। मूंगफली जो हमारे हाथ में, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इस मूंगफली को भविष्य की किस्म भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर फुहारे चल रहे हैं इस साइड में और पानी कम है, जमीन बिल्कुल यहाँ रेत वाली जमीन है। किसानों को ऐसी किस्म चाहिए जो कम समय में अच्छी पैदावार दे दे। तो हम आपको इस खेत की पूरी जन्म कुंडली बताएंगे। ये जो वैरायटी है, ये है मोरगेन की देवरा G441+। तो इसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ यहाँ पर पौधे दिखाते हैं कि मूंगफली की लाख कैसी है और मूंगफली का साइज कितना शानदार है। तो आओ आपको एक पौधा यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं है और कितनी मोटी मूंगफली है। 23 जून को ये यहाँ से बीज लेके आए थे 441+ वैरायटी का, और 1 जुलाई को ये मूंगफली आपने इसकी बुआई कर दी। और 1 जुलाई को अगर बुआई हुई है और आज 5 अक्टूबर है, तो लगभग 95 दिन की मूंगफली ये हो चुकी है। 7 से लेकर 10 दिन में ये मूंगफली आपके खुदाई हो जाएगी, यानी के ये किस्म 105 दिन की है। और 105 दिन की किस्म है, आप पास आइए, इसका दाना दिखाइए। देखिए इसका जो दाना है वो कितना मोटा है, इसका दाना देखिए आप कितना मोटा है। और ये आप थोड़ा सा इसको निकाल के भी दिखा दीजिए इसमें से। ये देखिए आप, ये आप देखिए, ये देखिए, इस मूंगफली में शानदार जाली बनती है। दाना बहुत ये अंदर दाना निकालिए आप, तब तक ये जो है ये मूंगफली खड़ी है, लगभग गुच्छे में आती है, प्योर गुच्छे में नहीं, लेकिन लगभग लगभग ये गुच्छे वाली मूंगफली है। और इस मूंगफली की खेती आप जायद, यानी कि जो फरवरी मार्च में मूंगफली लगती है, उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटा मोटा लास्ट 105 दिन की किस्म है। ये देखिए आप दाने कितने शानदार हैं, कितने बड़े दाने। दाना भी इसके बाहर निकालिए एक बार, हाथ पे रखिए थैली पे, दाने इसके बहुत बड़े आते हैं। ये मंडी में सबसे महंगी बिकने वाली मूंग किस्म है, जो दाने के हिसाब से और जो दाने के साइज और रंग के हिसाब से ये मंडी में सबसे महंगी बिकती। देखिए आप कितना कितना शानदार और कितना बड़ा दाना है। ये अभी जब तैयार हो जाएगी इसका रंग बदल जाएगा, इसका रंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो मूंगफली जब तैयार होती है तो इसका कैसा रंग है, ये देखिए, ये साइड में आप जो फोटो है उसमें ये मूंगफली तैयार हुई मूंगफली का दाना है, जो पिछले साल का हमारे पास दाना है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये मूंगफली की खासियत है, ये मूंगफली किसानों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि कम समय में बहुत अच्छी इसकी पैदावार आ जाती है। देखिए परिचय दुकान का नाम बता। मेरा नाम गोविंद शर्मा है, मैं भगवती खाद बीज के अंदर ग्राम बिचपड़ी कोस्ट नांगलाड़ी जिला जयपुर में मेरी शॉप है। और ये काफ़ी किसानों को मैंने दिए, इस बार पहली बार यूज में लिया है, पर अच्छा रिजल्ट आया है इसका, साइज अच्छी है इसकी। अब तो ये किसान भाइयों, मोरगेन की देवराज G441+ किस्म है। ये किस्म खरीफ यानी बरसात के साथ साथ जायद में जो फरवरी मार्च में लगती है, तब भी लगाई जा सकती है। मूंगफली में हमेशा हल्की ज़मीन चाहिए होती है, ज़्यादा भारी ज़मीन नहीं चाहिए होती है। और ख़ासकर जब मूंगफली का दाना बनना शुरू होता है, तब नीचे जो है खेत में पानी खड़ा होना या ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। जो इस बार ज़्यादा बारिश हुई है, तो कोई कोई दाना राजस्थान जहाँ पर रेत वाली ज़मीनें हैं, वहाँ भी ये थोड़ी सी शिकायत आई है कि नीचे दाना खराब है। मूंगफली की खेती में आपके नीचे ज़मीन में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और ये इसकी आप इसकी लंबाई देख सकते हैं, जो पौधे की लंबाई है, ये देखिए लगभग 1.5 फुट इसकी लंबाई है पौधे की, इतनी ही लंबाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए। और ये लगभग गुच्छे में आती है, जड़ के आसपास ही इसकी मूंगफली लगेगी। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता, इसका दाना जो आपको अभी दिखाया है, बहुत मोटा दाना आता है। तो ये किस्म बहुत जल्दी से, कम समय में जो किस्म है उसमें बहुत जल्दी से पहचान बना रही है किसानों के बीच में, सभी जगह पूरे राजस्थान में, उत्तरी भारत में जहाँ पर भी मूंगफली लगती है, वहाँ कम समय में बहुत जल्दी से पहचान बना रही। मेरे ख्याल पिछले 3 सालों में ये मूंगफली ने हर किसान की जुबान पे है कि एक 441+ एक किस्म आती है।
जो कम समय में बहुत अच्छी पैदावार देती है। मोर्गन कंपनी जिसकी मूंगफली आप देख रहे हैं, किस्म देख रहे हैं, इस कंपनी में के सिर्फ मूंगफली के बीज नहीं आते, मूंगफली की हमारी 8 किस्में आती हैं। मूंगफली का हमारा जयपुर में बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा इस कंपनी के सभी अनाज के फसलों के जैसे बाजरा, मक्का, चारा फसलों के बीज आते हैं। अभी रबी में जो सरसों है, गेहूँ है और सभी सब्जियों के बीज भी आते हैं। तो ये कंपनी लगातार किसानों के बीच में बहुत अच्छी पहचान बना रही है। बीज इसके लगभग जो भी बीज किसानों के बीच में जाते हैं, किसान उनके नाम याद रखते हैं अगले साल लगाने के लिए। और कंपनी से आप किसान भाई संपर्क करना चाहें तो आप हमारा जो नंबर दिया हुआ नीचे कस्टमर केयर नंबर, उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।